भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा बमोरी के कार्यकर्ता जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी लंबित मांगों को पुनः उठाया। गौरतलब है कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से ग्वाल टोलिया तालाब के निर्माण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 30 से 35 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की काफी समस्या है, जिसके कारण किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह समस्या को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई नुमाइंदों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। लिहाजा वो आज पुनः जिला कलेक्टर से मिले व उन्होंने इस समस्या के निराकरण की गुहार कलेक्टर से लगाई है। समस्या हमारे इधर बमोरी क्षेत्र में बहुत वर्षों से पहले से मांग चलती आ रही ग्वाल टोलिया तालाब की, तो पानी की बहुत विकराल समस्या है। पानी की समस्या इतनी है कि इस बार आधी ज़मीन परती पड़ी है और ज़मीनों तो दूर की बात है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं, क्या करें, कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रही है। पानी की बहुत समस्या है, आज से नहीं, तो बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं हमारे पूर्व, कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन और यहाँ से हमने गुना से लेके अपने बमोरी से लेके भोपाल तक भी हम लोग पहुँचे हैं, सीएम ऑफिस भी पहुँचे हैं, दो बार भोपाल भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये हम लोग जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई प्रभारी मंत्री जी आते हैं, कोई अधिकारी भी पहुँचते हैं, हम उनको आवेदन देते हैं, हम अपनी मांग करते हैं उनके सामने। मुख्यमंत्री जी से भी इस बार हम मिले थे सर्किट हाउस में 26 जनवरी को जब आए थे,